इधर समझो सब जानते हैं। बात खोखले बेलन के ऊपर होगी, किसके ऊपर होगी? ये तुम देख रहे हो, ये कुछ हम आकृति तुम्हारे सामने डिजाइन कर रहे हैं। ये 3D आकृति है, 3D त्रिभीमी ठोस बेलन। एक दूसरा बेलन कल्पना कर रहे हैं, यहां समझे, ये आपको दिखा? दोनों की हाइट सेम है, ऊंचाई सेम है, आप ये मान के चले। यह जो बड़ा बेलन आपको दिख रहा है, इसके लिए त्रिज्या ये वाला बड़ा आर और इसके लिए यह वाला त्रिज्या छोटा आर। कौन आर? छोटा आर आपको दिख रहा है, बड़ा आर और छोटा आर। ऊंचाई इनके लिए बड़ा एच और इसके लिए ऊंचाई छोटा एच। ऊंचाई होगा सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी, जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर हो सकते हैं, हो सकते हैं। त्रिज्याएं ये भी सेंटीमीटर, मीटर, मिली, किलोमीटर, एक्सेट्रा इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। ये आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के, ओके? यस सर। देखिए इस बेलन के अंदर, इस बेलन को हम लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कुछ इस प्रकार लेके जाएंगे, ध्यान से देखते जाइए आप। क्या आपको समझ आ रही है? यस सर। देखना यार, नीचे से इसको उठा के सीधा सीधा इसके अंदर लेके चले आए हैं। यस सर। कहाँ लेके चले आए? अंदर। कोई दिक्कत? यस सर। कोई दर्द वाली बात इसमें? यस सर। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए इसके लिए। यस सर। है ना? अब देख, देखा बता, ये खोखला बेलन है या नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। देख ये कैसे खोखला बेलन, ये तुम्हें दिख रहा है ये वाला? यस सर। वाला पोर्शन ये वाला, ये आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है ये वाला? इनके लैटरल सरफेस, कौन सरफेस? पार्श्व वाले। कौन वाले? पार्श्व वाले। और ये वाले जो आप डिजाइन कर रहे अभी, ये फ्रंट वाले। कौन वाले? फ्रंट वाले। और पीछे वाले को बोलेंगे रियर वाले। कौन वाले? रियर वाले। ये सब छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। चलो ये अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि अब कर क्या रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, है ना? यस सर। ये सब गंदा काम कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, आपको दिख क्या रहा है? खोखला, एक खोखला,
बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी होगा तो बाहरी भी वक्र होगा और आंतरिक होगा तो आंतरिक भी वक्र होगा चारों साइड का, है कि नहीं? जैसे देखिए, इधर मान ले ये तुम्हारे पास नोटबुक है, देख इसको हम क्या किए, वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए और बेलन बना दिए। क्या बना दिए? बेलन। और ये बेलन आपको दिख रहा है, इसकी कुछ मोटाई है, क्या है? मोटाई। मोटाई है ना? तो मोटाई होने का मतलब ये है कि केंद्र से इसका जो अंदर का ये वाला है आपको दिख रहा है परिधि वाला, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये वाला आंतरिक त्रिज्या होगा, है ना? और ये जो बाहरी जो आपको परिधि दिख रहा है यहाँ तक जो केंद्र से दूरी होगी इसको बोलेंगे बाह्य त्रिज्या, ठीक है, आउटर रेडियस। आंतरिक त्रिज्या को इनर रेडियस, ऊंचाई इसके हाइट हो जाएंगे। बात समझ में आया? ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये फ्रंट एरिया हुआ, कौन एरिया हुआ? फ्रंट एरिया। और ये जो आपको साइड जो महसूस हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला, यही है लैटरल। इसको क्या बोलेंगे? लैटरल। इसको बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। ठीक, ये वाला भी आपको पार्श्व हो जाएगा, है ना? और समझ आया? देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कुलर रूप में मोड़ा गया है। किस रूप में मोड़ा गया है? तो ये इनका क्या है, परिधि है, क्या है? जो एच ऊंचाई तक है, कितने ऊंचाई तक है? एच ऊंचाई तक है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब ये 2πr, ये कितना πr? और ये वाला एच ऊंचाई, तो देखिए इसको हम सीधा कर दिए तो कुल मिला के ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो 2πr है एच ऊंचाई तक है, कितने ऊंचाई तक है? तो क्या मतलब 2πr इंटू एच? अब r इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा, h ऊंचाई होगा, r आंतरिक त्रिज्या होगा, तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। r अगर बाहरी त्रिज्या होगा तो इसके लिए बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे समझते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक रिंग है, क्या है? रिंग है, ठीक। और एक ये भी एक रिंग है, क्या? एक रिंग वाला है, क्या? एक वाला। तो सवाल ये है, देखो रिंग का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? ये आपको दिख रहा है, है? देखो आपको महसूस हो रहा होगा कि यह रिंग है, क्या है? यार अगर ये रिंग होगा तो यह जो सर्कुलर भाग आपको दिख रहा है इसका ये क्या है? केंद्र है, क्या है? केंद्र है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसके लिए क्या हो गया? आंतरिक त्रिज्या। क्या हो गया? ये वृत्त, बड़े वाले वृत्त के अंदर है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये वाला देख, ये वाला क्या हो गया? बाहरी त्रिज्या, है ना? आउटर रेडियस। कौन रेडियस? इसको बड़ा आर बोलते, क्या बोलते? छोटा आर को बोलते इनर रेडियस। क्या बोलते? और जो बड़ा आर है उसको क्या बोलेंगे? आउटर रेडियस। ठीक है, ये वाली क्षेत्रफल है ना, ये वाली, तो क्या करेंगे? बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अरे यार यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, इसमें तुम्हें कोई दर्द है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया?
फायर स्क्वायर। अच्छा देख, यहाँ से लेके ये वाला जो छोटा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो छोटे वृत्त के अंदर केंद्र से त्रिज्या चल रही है, ये वाली है ना, दिख रहा है ये वाली डिस्टेंस सबको त्रिज्या दिख रहा है। तो ये है क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है ना पूरा, किसका क्षेत्रफल है, तो भाई इसके लिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को क्या करेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल जब आपस में माइनस हो जाएंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा ली जाएगी, तो क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, है ना, बचेगा ना। और ये क्या है, रिंग है, ये क्या है, ये तो रिंग है, ये रिंग का क्षेत्र, किसका क्षेत्र, रिंग का क्षेत्र कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाहर करिएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, मतलब बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, देख पाई और इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा देखना ये क्षेत्रफल है ना, ये है क्या, एरिया किसका, रिंग का, किसका, रिंग का, तो एरिया है तो इसका कुछ कुछ इकाई होगा, मात्रक होगा, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, नहीं या फिर वर्ग किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं। देखो वर्ग इकाई, कौन इकाई, समझ में आया, जो वर्ग इकाई इसका क्या होगा, मात्रक होगा, है ना। रिंग यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, तो दिख रहे हैं ये वाला, दो रिंग, कितने रिंग, दो रिंग। अब आगे बढ़िए, ठीक, दो रिंग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, दो रिंग का क्षेत्रफल, एक रिंग के क्षेत्रफल आपने पता कर लिए हैं, इसमें उससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो गोलाई है वही गोलाई ये वाली है, जो मोटाई नीचे है वही मोटाई ऊपर भी है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा ना दोनों वृत्तीय भागों का, तो एक के क्षेत्रफल में दो से गुना कर देंगे तो दोनों जो बाहरी सिरे का क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा। तो इस वाले टर्म में आप क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे, दो से, तो दोनों रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत, दो रिंग्स का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बराबर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, कहीं कोई दिक्कत, ये वाला जो क्षेत्रफल आपको मिला दोनों रिंग्स के मिले और इसके, है ना, वर्ग इकाई के साथ में, समझ मारिये बात, अरे नहीं समझ मारिये तो हाँ बोले, समझ में आ रही है तो हाँ बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले कब तक जियोगे, सवाल है कब तक। चलो अब आगे समझो, अब बात करेंगे इनके जो ये वाले वक्रीय भाग होंगे, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला पूरा गोलाई है ना, मतलब 2 पाई आर एच ऊंचाई तक, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। अब सवाल ये है, देखिए जो 2 पाई आर एच है वो निर्भर किया, किस पे निर्भर किया, तो एक ऊंचाई पे
और दूसरा त्रिज्या पे, एक ऊंचाई पे और दूसरा पे। भाई ऊंचाई तो बदलने रही है, ऊंचाई ये दोनों की जो ऊंचाई हमने माना है वो ऊंचाई में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों है। तो जब ऊंचाई नहीं बदल रही है तो त्रिज्या बदलेगी तो पृष्ठ क्षेत्र बदल जाएगा। यस सर। अरे बदल जाएगा नहीं? यस सर। बदल जाएगा? यस सर। छोटा आर के लिए अलग पृष्ठ क्षेत्र आ जाएगा और बड़ा आर के लिए? अरे नहीं? यस सर। भाई बात सही है या गलत है? सही है। अब देख कैसे, ये बारा एक ये वाला जो बेलन है ना वही बेलन यहाँ भी लगा देते, ठीक है तुम्हें समझाने के लिए, कोई दिक्कत? अरे यार हम दो को बनाए तीन को बनाए क्या आपको परेशानी, कोई परेशानी तो नहीं ना? चलिए ये आपको समझाने के लिए हो रहा है। ये देखिए आपको ये दिख रहा है कुछ, ये जो गोलाई वाली क्षेत्रफल है ना जो टू पाई आर एच ऊंचाई तक है, टू पाई आर कहां तक है, और ये देख ये है तुम्हारा टू पाई आर एच ऊंचाई तक, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मतलब ये वाला टू पाई आर एच ऊंचाई तक, कोई दिक्कत? और ये वाला टू पाई आर कहां तक, एच ऊंचाई तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? बड़ा एच है तो बड़ा एच है, ये दोनों आपस में बराबर है, बाद में उसे समझ लेंगे। चलिए इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दें तो इसका टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोटल वक्र पृष्ठीय, कोई दिक्कत है? मजाक नहीं करना, तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा टोटल? यार ये वाले और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा? एच दोनों बेलन के लिए समान है, त्रिज्या अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग। देखो कहाँ लिख रहे हैं? नहीं यहां लिखेंगे टू पाई आर एच, दिक्कत? प्लस टू पाई आर और एच, सिर्फ छोटा एच की जगह बड़ा एच कर लिया है ना, यहां से बताओ टू पाई एच बाहर करेगा, क्या करेगा? तो क्या बचेगा यार, यहाँ पे आर बचेगा और इस वाले में बढ़ेगा, प्लस अपनी जगह है, इस समय तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया टू पाई एच इंटू आर प्लस आर क्षेत्रफल है, तो वर्गीकरण नहीं होगा, किसमें होगा? अब हम तुम्हें ऐसा कहें, हमने दो पार्ट में क्षेत्रफल निकाला, एक ये वाला पोर्शन था है ना और एक ये वाला पोर्शन था, दोनों ऐड होकर टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, क्या दे देगा? टोटल समझ में आया? तो ऐसा लिखे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कुल पृष्ठीय देख क्या लिख रहे हैं ना, टू पाई ठीक है आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर प्लस कितना, तो टू पाई एच इंटू आर प्लस आर हो गया। ये आपको क्या मिला, टोटल पृष्ठीय और कैसा तो वक्र, कैसा तो वक्र। अब आपको यहां से एक चीज और समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए और देखिए क्या समझना चाहिए, यहां समझा देता हूं यार। ये तुम्हारे पास में देख टू पाई क्या है, टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टू पाई एच आर प्लस आर हो गया। इसे तो तुम दो पार्ट में लिख सकते हो, टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, आर माइनस कोई दिक्कत प्लस टू पाई एच इंटू आर प्लस आर, आर प्लस कोई परेशानी नहीं ना। अभी क्या है टू पाई और आर प्लस आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब आप यहां से क्या करेंगे, इसे कॉमन निकाल करके लिख दीजिएगा। कैसे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं टू पाई आर प्लस आर बाहर और ये मिला आर माइनस आर प्लस एच, कोई दिक्कत। तो ये आपका टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का, किसका खोखले बेलन का, किसका खोखले बेलन का, क्या निकल के आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रहेगा। डब्बा हो गया है ना, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया कितना, टू पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस। इतने बार ध्यान देके उतारिए, हाँ।